तो दोस्त हम डिस्कस करेंगे ऑल द फ्रेंचाइजीज आर फेक। मतलब ऐसा लोग बोलते हैं, कमेंट्स में भी बोलते हैं, या जनरली आप जब बाहर मार्केट में जॉब के लिए निकलोगे तो वो बोलते हैं कि ये ऑल द फ्रेंचाइजीज आर फेक। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सारी फ्रेंचाइजी फेक नहीं होती हैं। फ्रेंचाइजी एक्चुअली में काम कैसे करते हैं और उनका जो मार्केट स्टैंडर्ड है वो क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्रेंचाइजीज हम उनको बोलते हैं जो कि किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं। अगर मान लो मेरी एक कंपनी है ABC के नाम से और मैं एज ए फ्रेंचाइजी काम करता हूँ, और मुझे एक क्लाइंट मिला, कोई भी क्लाइंट आप ले लो, कि आप वो विप्रो हो सकता है, TCS हो सकता है, HCL हो सकता है, IBM हो सकता है, टेक महिंद्रा हो सकता है, L&T हो सकता है, तो कोई भी एक कंपनी मेरे लिए क्लाइंट हो सकती है। अब क्या करेंगे, वो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, क्लाइंट बोलता है कि नहीं हमें 5 बंदे IT के चाहिए, हमें 4 बंदे HR के चाहिए, हमें 3 बंदे डेवलपमेंट के चाहिए, हमें 4 बंदे मार्केटिंग के चाहिए, 2 बंदे सेल्स के चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट वहाँ पे हो सकती है उस कंपनी की। तो मैं क्या करूँगा, एज ए फ्रेंचाइजी मैं बंदों को हायर करूँगा, उनके इंटरव्यू शेड्यूल कराऊँगा। हो सकता है मैं एक राउंड लूँ, हो सकता है वो कंपनी में एक राउंड आपका हो। तो बात फिनिश है यहाँ पे कि ये होती है फ्रेंचाइजी, मतलब एक क्लाइंट के लिए काम करना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ABC कंपनी के पेरोल पे रहोगे, सैलरी वगैरह आपको ABC कंपनी देगी, बट आप काम करोगे किसी दूसरी कंपनी के लिए जो कि मेरे लिए वो एक क्लाइंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, फ्रेंचाइजीज चार्जेस लेते हैं, पैसे लेते हैं जॉब दिलाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो फंडा है, जो क्लियर, जहाँ जो मेरा 4-5-6 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, मैं आपको बता दूं कि 99% या 95% कोई भी फ्रेंचाइजी आपसे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेती है। 1-2% के केस में फ्रेंचाइजीज ऐसी होंगी जो आपसे चार्ज लेती हैं, बट वो सिर्फ ट्रेनिंग का चार्ज लेती हैं। कि फॉर सपोज अगर मेरी फ्रेंचाइजी, मैं आपको बोलूँगा कि टेक्निकल सपोर्ट में एक जॉब दिलाऊंगा, मैं आपको लाइनेक्स में जॉब दिलाऊंगा, मैं आपको AWS में जॉब दिलाऊंगा, तो वो जो AWS ट्रेनिंग की कॉस्ट होगी ना, 5,000, 10,000, 15,000, वॉट एवर हमने जो डिसाइड कर रखा है अपने टीम के साथ, तो वो चार्ज आपसे लेंगे। इसके बाद में जॉब दिलाने का कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि 1,000-1,200 रुपये वो ले रहे हैं, तो हो सकता है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की वजह से, हो सकता है एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट फीस हो, तो वो आप उनको पे कर सकते हो, वो भी ऑफर लेटर रिलीज होने के बाद। कोई ये बोलता है कि नहीं इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, इंटरव्यू फीस होगी, ये शेड्यूल होगा, तो आपको पैसे नहीं देने हैं। और ऑफर लेटर देने के बाद भी अगर आप पैसे दे रहे हो, तो आपको ये 100% श्योर करना है कि वो कंपनी ऐसा तो नहीं है मेरे से फेक पैसा ले रही है। और हाँ मैं बता दूँ, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं। तो मान लो आप 90% आपका पैसा वहाँ फंस रहा है, ये फ्रेशर्स के साथ बहुत ज़्यादा करते हैं, हो सकता है एक्सपीरियंस के साथ भी ये हो, बट वहाँ पे उनको पता होता है कि हाँ ये फेक है कि नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में चेक करते हैं, डोमेन वो है कि नहीं है, उस कंपनी का रियल में कॉल है कि नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूँ, 99% फ्रेंचाइजी जो होती हैं आपसे इंटरव्यू का किसी भी तरीके चार्ज नहीं लेती हैं। 1% के ऐसे में वो हो सकता है एक मिनिमम सा या एक मिनिमल सा कॉस्ट आपसे वो बोलें, या बोले कि आप सबमिट करो इंटरव्यू शेड्यूल के लिए। तो आपको ये वहाँ उनके साथ क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वो रियल है कि फेक है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा मेरे यहाँ से कि किसी भी फ्रेंचाइजी को आप 2 रुपए ना दें इंटरव्यू के नाम पर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट या नेटवर्किंग में जॉब सर्च करो, तो मेरा नीचे बेस रिज्यूमे में पड़ा हुआ जो आपकी आपको 100% शॉर्टलिस्ट कराएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, आपको 90-95% इंटरव्यू में वही मिलने वाले हैं। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।